मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने अब गोद ले लिया है। साथियों, अब मैं बनारस का हो गया हूँ और आप लोगों के बेटा आप लोगों के बीच में ही अब रहेगा। ये है वाक्या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और वही आज हिसाब मांगते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया 60 सालों में, अब तक क्या किया। देखिए, आज मैं ऐसे जगह पर हूँ और ये देख लीजिए आपके सामने, मैं दिखा रहा हूँ अपने कैमरा पर्सन से, थोड़ा कहूँगा नीचे जाने लायक नहीं है, खतरा है। और आना चाहिए था मुझे जब, तो हाफ पैंट पहन कर इस नदी में कूद जाना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ये नाला है, ये गटर बह रहा है, लेकिन दूर दूर तक इधर भी देखिए एकदम मल मूत्र इसमें है और इतनी जबरदस्त दुर्गंध आ रही है। लेकिन इसके जिम्मेदार हकीकत में कौन है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, आज उन्हीं का ये संसदीय क्षेत्र है और वाराणसी, और वाराणसी शहर में 3 ऐसी नदियां हैं जिनके बारे में कहते हैं वो कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो भाई, उनको माँ गंगा बुलाई थी, अभी वो गोद ले ली उनको, अभी इस तरह से कहते हैं। ये 80 नदी है, ये जो है बनारस की 80 नदी है और आपके सामने नाले में दिखाई दे रहा। और तमाम तरह से देखिए, इधर भी जितने मल मूत्र कूड़े करकट, उधर भी जो कुछ घरे हैं, और इस नदी पर अतिक्रमण हो गया इतना कि आज ये नाले का रूप ले ली है। और तमाम तरह से विकास की दावा करते हैं कि हमने ये किया, वो किया, फलान किया। कांग्रेस से 60 साल का हिसाब मांगते हैं और ये 10 सालों में कितनी काशी बदली। ऐसी बात नहीं कि ये पहली बार वीडियो दिखाया जा रहा है और ना उनको मालूम है, जस्ट यही रोड दिखाई दे रहा है, इसी रोड से वो आते जाते हैं। जब आते हैं ना, तो ये जो 80 नदी का जो पुल है और इस पुल को ग्रीन पर्दे से ढक दिया जाता है हुजूर के लिए, कि हुजूर आएंगे तो उनके लगेगा कि हमारा कितना बदला हुआ काशी है। अरे मोदी जी, देखिए, शर्म करिए महाराज, आइए जरा, आ जाइए, आप भी आइए, मैं दिखाई देता हूँ। और उसमें खतरे से कम नहीं है जाना, खतरे से कम नहीं है जाना। अब सोचिए, बनारस में वरुणा और 80 और गंगा, ये 3 नदी जो है सर, और ये जाने के बाद ये गंगा में ही दोनों नदियों का जो जल है ये जा कर के मिलता है। और कहते हैं कि हमारी गंगा जो है, माँ गंगा स्वच्छ हो चुकी है। और तमाम ये युवा इधर से गुजर रहे थे, क्या नाम पड़ेगा आपका? अनुरुद्ध कुमार दुबे। अच्छा, ये दुबे जी, ये बताइए, नदी है कि नाला वाला? नाला वाला है, नाला है। हाँ। आप बनारस में रहते हैं और आपको मालूम ही नहीं है कि नाला है कि नदी है? कैसे कह रहे हैं कि ये नाला है? हम तो नदी है, हमें नहीं मालूम, हम तो बाहर जौनपुर से आए हैं। जौनपुर से आए हैं? ये तो 80 नदी है। हाँ। सही में जाके 80 घाट पे ही मिला। 80 नदी बनारस शहर में, आपको मालूम है ना? वोट किसको करेंगे? सही कह रहे हैं, वोट अपने जी को विचार करेंगे, घर वाले सब बताएंगे। किसका माहौल लग रहा है? बताया नहीं जाता है, बताया नहीं, अपना वोट नहीं, वोट है दे दिया जाएगा भाई। चलिए ठीक है, और देखिए ऐसे मोदी जी को करेंगे। यही मोदी जी तो सिखा रहे थे, 60 साल से कांग्रेस से हिसाब मांग रहे थे और 10 साल में उन्होंने यही काम किया है जो विकास आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए, ये युवा है भैया और यही सब चीज होता है, वोट सब को देना चाहिए, लेकिन ऐसा भी अंधभक्त होकर के वोट नहीं करना चाहिए, कम से कम हुजूर को दिखाना चाहिए। साथियों, आज मैं फंडामेंटल ड्यूटी अपना, चाहे जो भी हो, अपने ड्यूटी के अधीन ही हम लोगों का काम है दिखाना आईना, चाहे जिसको भी मिर्ची लगे। और देखिए, तमाम तरह से दम तोड़ रही हैं 80 नदी, बनारस की 80 नदी जो है दम दम तोड़ करके करा रही है, लेकिन इसकी जिम्मेदार कौन है? दिखाई नहीं देता है यहाँ के शासन प्रशासन को? अरे हुजूर, कम से कम शर्म करिए और इस हमारे 80 नदी को अब सोचिए। एक बात बोलते हैं क्या, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, अभी गोद ले लिया। और मालूम है, माँ गंगा की ये 80 जो है नदी जो है ये बहन लगेंगी, तो एक तरह से मोदी जी की ये क्या हुई? मौसी हुई। आज ये बताइए, मोदी जी के मौसी की क्या स्थिति है? ये दम तोड़ रही हैं,
लगेगा, मिर्ची लगेगा हमारी बात को, लेकिन ये कटु सत्य है साथियों कि जिस प्रकार से, चलिए आज मैं इतना ही अपना फंडामेंटल ड्यूटी में दिखाया हूँ, आप लोग जरूर, मैं उन नेताओं की सद्बुद्धि की कामना करूँगा, अगर जिस दिन ये नदी का जीर्ण द्वार हो जाएगा और नमो घाट की तरह से इसको भी मॉडिफाई करके सुंदर कर दिया जाए कि जिस प्रकार से गंगा में लोग नहाते हैं यहाँ पर भी नहाएं, क्योंकि ये दोनों नदियाँ जा करके गंगा में जब मिलती हैं तो ये संगम हो जाता है। तो इस प्रकार से काशी एक पौराणिक स्थल है, बाबा महादेव काशी की त्रिशूल पर ही, भोले बाबा के त्रिशूल पर ही ये काशी बसा हुआ है। तो इस प्रकार से इस नदी का भी जीर्णोद्धार हो जाए। चलिए तब तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ वाराणसी से राज अनुजा की रिपोर्ट, धन्यवाद, शुभकामना।